हेलो एवरीवन, कम्युनिकेशन स्किल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल में मेमोज एंड सर्कुलर। सबसे पहले जान लें हम मेमोज होता क्या है। मेमोज लेटर का ही एक रूप है, लेकिन लेटर से थोड़ा डिफर है। ये जो मेमोज है वो मुख्य रूप से दो संगठनों के बीच इसका प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न विभागों में एक पुल का काम करता है। यह मुख्य रूप से जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका परमानेंट इसके अंतर्गत रिकॉर्ड रखा जा सकता है। मेमो जो होता है वो सीधा और संक्षिप्त लिखा जाता है। इसका जो सब्जेक्ट होता है वो बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। मेमोज जो है वो तीन प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। डॉक्यूमेंट्री यानी दस्तावेजी, इसमें साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि दस्तावेज, जैसा कि दस्तावेज वर्ड मीनिंग से ही समझ में आ रहा है, यानी समथिंग ऐसा है कि जो रखा जा सके, तो इसके अंतर्गत रिकॉर्ड रखा जाता है। और ये मतलब वो एक्चुअल रिकॉर्ड होता है। इसमें ना किसी की तारीफ होती है और ना ही किसी को डिग्रेड किया जाता है। एक पर्सन का जैसा भी रिकॉर्ड होता है उसे सीधा सीधा रखा जाता है। दूसरा आपका कंग्रेचुलेटरी हो गया, इसमें बधाई से या प्रतिवादन से संबंधित होता है। तो इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस कैसी है उसी के अनुसार उसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो उससे संबंधित इसमें लिखा जाता है। और नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी यानी अनुशासनात्मक, यानी इसमें किसी भी डिपार्टमेंट में किस तरह से अनुशासन को बनाए रखा जाए उसके संबंध में लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग मेमोज तो समझ लिए कि मेमो है क्या। अब मेमोज को देख लें एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए यहाँ पे जो होम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा जा रहा है, ठीक है, BN गौर IAS हैं और ये होम पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैं और ये विधान भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। फ्रॉम यानी से, यानी जो व्यक्ति लिख रहा है, और टू यानी जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है। ठीक, तो ये लिख रहे हैं टू श्री RS शर्मा IAS चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। इनका सब्जेक्ट क्या है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया था मोटे अक्षरों में और बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा मेंशन भी किया गया है, काउंटरफिट क्वाइंस यानी कि जो नकली सिक्के हैं उसके बारे में लिखा जा रहा है। माई डियर शर्मा, ये ऑप्शनल बीच में दिया है। ऑप्शनल का मतलब ये हुआ कि यदि आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं और नहीं चाहने पर, यानी अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि इसमें आपको लिखना ही है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ रेफर टू योर SO लेटर नंबर 2345 L 1907 डेटेड October 14, 1970 एंड द सब्जेक्ट नोटेड एवव। प्लीज रेफर टू योर SO लेटर, इसमें पहले से ही कोई लेटर लिखा गया था, उसका SO लेटर नंबर मांग रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं एंड द सब्जेक्ट एवव, उसका सब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ है। आई एम डिजायर टू से दैट नो केस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन उत्तर प्रदेश इन विच काउंटरफिट क्वाइंस बिलोंगिंग टू मुगल पीरियड माइट हैव बीन पास्ड इन सेल टू गवर्नमेंट फॉर बीइंग स्टॉक्ड इन द स्टेट म्यूजियम। द डिले इज रिग्रेटेड। आई एम डिजायर टू से दैट नो केस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन उत्तर प्रदेश, इट मीन्स मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी मामले का ऐसा पता नहीं चला है जिसमें नकली सिक्के मुगल काल से संबंधित हो।
संग्रहालयों में संग्रहालयों में स्टॉक किए जाने के लिए सरकार हो सकता है उसे बेची हो। और द डिले इज रिप्लाइंग इज रिग्रेटेड, जवाब देर से देने के लिए मुझे खेद है। योर सिंसियरली बी एन गौर, आपका विश्वासपूर्ण बी एन गौर। ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ मेमोज, यानी किस तरह से मेमोज लिखा जाता है ये आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम सर्कुलर देखेंगे। सर्कुलर क्या है? सर्कुलर का आप यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, परिपत्र, इश्तिहार या फिर अनेक मनुष्यों को भेजा हुआ पत्र। यानी सर्कुलर एक तरह से कई लोगों को भेजा जाता है, ठीक। सर्कुलर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस, उसके विभाग के अंतर्गत कम्युनिकेशन के लिए सर्कुलर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी यह जूनियर्स को या फिर इंक्वायरी के लिए लिखा जाता है। यह लेटर ऑफिशियल या डेमी ऑफिशियल भी होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि इशू करती है किसी को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट डिपार्टमेंट को किसी बारे में सर्कुलर करती है, तब स्टेट डिपार्टमेंट जो होता है वो इशू करता है अपने नीचे के विभिन्न विभागों के मुख्य लोगों को। तो जनरली जो सर्कुलर होता है वो एक ग्रुप या अधिकतम लोगों के लिए यूज किया जाता है। सर्कुलर जो है आपका, सर्कुलर से फ़ायदे क्या क्या हैं ये हम देख सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली माध्यम होता है कम्युनिकेशन का, और इसमें गलतफहमियों के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ये बहुत ही कह सकते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा माध्यम होता है, और ये प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेट इसके द्वारा किया जा सकता है। सर्कुलर टाइम सेविंग मेथड है, क्योंकि इसमें कई लोगों को एक साथ सूचनाएं दी जाती हैं, तो ये जो है हमारा टाइम भी बचाता है, ठीक। इसलिए सर्कुलर का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब सर्कुलर का उदाहरण हम नीचे एक दिया गया है, तो इसके माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देख लीजिए कि सर्कुलर यहाँ पे उदाहरण है, द स्कूल अकाउंट इज वरीड अबाउट द पेंडिंग फी ऑफ द स्टूडेंट, ही डिसाइडेड ड्राफ्ट अ सर्कुलर टू इन्फॉर्म पेरेंट्स टू बी अवेयर एंड पे फी ऑन टाइम, आल्सो मेंशन द लेट फी चार्जेस, ड्राफ्ट अ सर्कुलर ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंटेंट। सर्कुलर में मतलब मैंने अभी बताया कि सर्कुलर जो है वो एक से अधिक लोगों को, यानी कई लोगों को एक साथ सूचनाएं भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो अकाउंटेंट हैं वो पेरेंट्स को, जो स्टूडेंट हैं उनको, स्टूडेंट के पेरेंट को, स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं सर्कुलर, क्योंकि फी जो है, जो फीस है वो पेंडिंग है, ताकि फीस जमा हो जाए। द स्कूल अकाउंट इज़ वरीड अबाउट द पेंडिंग फी ऑफ द स्टूडेंट, यानी जो स्कूल का अकाउंट है, जो स्कूल अकाउंट है वो चिंतित है क्योंकि स्टूडेंट का जो फी है वो अभी भी पेंडिंग है। ही डिसाइडेड टू ड्राफ्ट अ सर्कुलर टू इन्फॉर्म पेरेंट्स टू बी अवेयर एंड पे फी ऑन टाइम, आल्सो मेंशन द लेट फी चार्जेस। उन्होंने निर्णय लिया कि वो सर्कुलर ड्राफ्ट करेंगे, लोगों को पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे और अवेयर कराएंगे कि जो फी है जो वो अगर टाइम से पे नहीं करते हैं तो फिर उन्हें लेट फी को चार्ज करना होगा। तो ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट की तरफ से एक सर्कुलर ड्राफ्ट करना है। अब आइए देखते हैं किस तरह से सर्कुलर लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे सर्कुलर नंबर मेंशन किया गया है। आगे डियर पेरेंट्स, यानी प्रिय अभिभावक, प्रिय माता पिता, यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे डेट मेंशन हुआ है और यहाँ पे संबोधन, ठीक। तो आगे हम देखते हैं, इट इज़ अ हियर बाय नोटिस टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ राम सहाय स्कूल,
राम सहाय स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दैट कीपिंग इन व्यू ऑफ द लेट सबमिशन ऑफ फी बाय मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी अत्यधिक लोगों के फीस जमा न करने अत्यधिक लोगों के फीस जमा न करने की स्थिति में अ पेनाल्टी ऑफ ₹50 पर डे विल बी लिव्ड, यानी ₹50 प्रतिदिन लेट फी लगाया जाएगा दंड के रूप में। इन केस ऑफ फेल्योर डिपॉजिट फी बाय द 10th एवरी मंथ, प्रत्येक महीने के 10 तक यदि जमा न करेंगे तो नो एक्सक्यूजेस रिगार्डिंग दिस मैटर विल बी एंटरटेन बाय द मैनेजमेंट, कोई भी बहाना मैनेजमेंट के द्वारा सुनी नहीं जाएगी। इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ डिपॉजिट विद इन 15 days, 15 दिन के 15 दिन के अंदर तक यदि फी जमा नहीं करते हैं या फी जमा करने न करने की स्थिति में द कंसर्न स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउडेड टू अटेंड द क्लास अंटिल एंड अनलेस हिज पेरेंट्स सेंड अ रिटन एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट जो है वो अलाउड नहीं होंगे क्लास लेने के लिए और जब तक कि उनके माता पिता एक एप्लीकेशन लिखकर नहीं देते हैं। रामेश जैन, सीनियर अकाउंटेंट। बच्चों ये सर्कुलर लेटर रहा। अब आप मेमोज और सर्कुलर लेटर के बारे में तो समझ ही गए होंगे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोग पढ़ते रहिए, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से तैयार करते रहिए। इसमें आप लेटर अच्छे से तैयार कर लीजिए कम से कम 2 से 3, और इसके बाद मेमोज, लेटर, सर्कुलर लेटर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ये सब जो आपका ये लेटर वगैरह है ये सब आपको कहीं ना कहीं नंबर अच्छे से गेन कराएगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपका अच्छे से नंबर मार्क्स आप अच्छे से गेन कर पाए एग्ज़ाम में। और अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है, ओके।